आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 से जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले 5.1 क्वेश्चन नंबर है 5.1। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। एक रेन ड्रॉप जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ फॉल हो रही है, तो अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, वी अगर कॉन्स्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ नेट फोर्स जो है वो कितना लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। तो इसका मीनिंग नेट फोर्स तो जीरो ही लगा हुआ है। बी पार्ट ए कोर को मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। वाटर के सरफेस पे एक ब्लॉक जो है 10 ग्राम का वो फ्लोट कर रहा है। अगर वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मीनिंग इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा हुआ है और वेट इसका नीचे की तरफ है, और वेट किसके इक्वल आएगा, अपथ्रस्ट के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मीनिंग अब भी इसके ऊपर जो नेट फोर्स जो लगा हुआ है, नेट फोर्स दिस इज इक्वल टू जीरो। थर्ड केस की बना, ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। काइट पतंग जो है वो स्काई के अंदर स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इसका मीनिंग उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। इसका मीनिंग नेट फोर्स जो है काइट के ऊपर अब भी कितना लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। ए कार मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ऑन द रफ रोड। रफ रोड के ऊपर कार को मूव करवाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, बट वो फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स के हेल्प से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए लगाया है। इसका मीनिंग नेट फोर्स अब भी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो नेट फोर्स अब भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसे स्पेस के अंदर है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा हुआ। इसका मीनिंग नेट जो फोर्स लगेगा वो अब भी कितना लगेगा, जीरो ही लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.1। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5.2। ए पेबल ऑफ मास 0.5 kg, मास गिवन है 0.05 kg, इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन हमें बतानी है। सबसे पहले कब डायरेक्शन बनानी है, जब वो ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसका, ड्यूरिंग इट्स अपवार्ड मोशन। तो जब अपवार्ड मोशन में पेबल है, तो फर्स्ट केस देखिए, ड्यूरिंग इट्स अपवार्ड मोशन, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है जी, तो इसका मीनिंग फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन। सेकंड केस में भी नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और थर्ड केस अगर हम डिस्कस करें, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेरी मोमेंटरी एट रेस्ट। मोमेंटरी एट रेस्ट मीनिंग वर्टिकली वो रेस्ट पे, हॉरिजॉन्टली वो अब भी मूव कर रहा है, तो अब भी जो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स अब भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। और अगर 45 डिग्री के एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया, तब भी हमारा केस सेम ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग और एक वर्टिकल के लॉन्ग। हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, जबकि वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड, यानी कि ऑल तीन के तीन केसेज में फोर्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.3। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है नेट फोर्स की किसी स्टोन के ऊपर जिसका मास 0.1 kg है। जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। जब उसको एक ट्रेन की विंडो से ड्रॉप किया गया है, ठीक है, कहाँ से ड्रॉप किया गया है, विंडो, स्टेशनरी ट्रेन की विंडो से जब उसको ड्रॉप किया गया है, तो नेट फोर्स जो लगेगा, अब देखो जब उसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है काम करेगा अपना, तो नेट फोर्स जो है वो कहाँ लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और फोर्स कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये जो फोर्स लगेगा, एम की वैल्यू गिवन है 0.1 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले सकते हैं हम, या 10 भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, इसको हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन लगेगा, 1 न्यूटन ये फोर्स लगेगा। और सेकंड केस हमारा, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जो है, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तब की बात है। तो इसका मीनिंग ट्रेन का जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा,
इसका मीनिंग स्टोन के ऊपर जब वो मोशन में कोई फोर्स नहीं लगा है तो फोर्स अब भी कौन सा लगा हुआ है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगा हुआ, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम ही फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब भी नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीनिंग अब एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसके अंदर है, तो जो एडिशनल फोर्स लगा है वो भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एडिशनल फोर्स जो लगेगा, मीनिंग यहाँ पर ट्रेन अगर एक्सेलरेटेड है, जो हमारा केस नंबर सी है, तो उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लगा हुआ है m into a, तो ये 0.1 into 1, तो ये 0.1 जो है न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ है। बट वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा है mg, जो कि सेम है, और जैसे ही उसको ड्रॉप कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तब तक लगा हुआ है जब तक वो ट्रेन के अंदर है। जैसे ही ट्रेन से ड्रॉप कर देंगे उसका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब भी वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, F=mg, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा अब भी उसके ऊपर। पार्ट डी कंसीडर करते हैं, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज़ एक्सेलरेटेड विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बिंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के विद रिस्पेक्ट में स्टोन जो है वो रेस्ट पर है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगेगा ही इसके ऊपर। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगा हुआ है, ट्रेन जितने एक्सेलरेशन के साथ है, F=m into a, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है 1 न्यूटन का लगा हुआ जब वो ट्रेन के फ्लोर के ऊपर है। और वेट जो है स्टोन का, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो उसको वेट को क्या कर देगा, मान लो ट्रेन के अंदर जो स्टोन रखा हुआ बग्गी के अंदर, मान लो फ्लोर के ऊपर, तो इसका वेट नीचे लगेगा, उसी टाइम नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को क्या कर देगा, बैलेंस। तो यहाँ पे एक ही फोर्स लगा है, वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेट है वो कितना है इसका, जो वेट है वो बैलेंस हो गया है नॉर्मल रिएक्शन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द अदर टू ए स्मॉल पैग ऑन द स्मॉल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, इफ द पार्टिकल मूव इन ए सर्कल विद ए स्पीड वी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या लगेगा, देखो थ्रेड जब भी हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो यहाँ पे स्टोन कोई है, यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है, तो एक तरह से रस्सी के अंदर खिंचाव आता है, टेंशन प्रोड्यूस होती है, और इस टेंशन की वजह से क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो मीनिंग जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से ये टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगा हुआ है, टेंशन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.5, ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, यानी कि कितनी दूर जा कर के, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, तो मीनिंग क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, हमें कितने टाइम के बाद जो है वो रुक जाएगी। तो कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स जो है, फोर्स जो लगा हुआ है, रिटार्डिंग फोर्स लगा हुआ है 50 न्यूटन का फोर्स लगा, रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि रिटार्डिंग है तो डायरेक्शन जो है मोशन के अपोजिट है, तो नेगेटिव लगा देंगे। बॉडी का मास गिवन है m, m जो है 20 किलोग्राम गिवन है, 5.5 नंबर क्वेश्चन, और मूविंग विद इनिशियल स्पीड उसकी जो है u की वैल्यू गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकालना, कितने टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, F/m, तो माइनस का 50/20, तो ये 2.5 माइनस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन आ गया उसका सबसे पहले। अब वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, U+at, फाइनली वो रेस्ट पे है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यू गिवन है हमें 15, ए की वैल्यू हमारे पास -2.5 है इंटू में टी, तो टी निकाल लेंगे, तो T=, क्या हो जाएगा, यानी कि 2.5 into t, दिस इज इक्वल टू 15, एंड T=15 डिवाइड बाई 2.5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा
सिक्स सेकेंड जो है आंसर आ जाएगा हमारा, सिक्स सेकेंड। तो यानी कि छः सेकेंड के बाद जो है वो स्टॉप हो जाएगी। 5.6 नंबर न्यूमेरिकल इसके बाद है हमारा, ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 m/s टू 3 m/s इन 25 seconds। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज, वॉट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। इनिशियल स्पीड जो है वो 2 m/s है, फाइनल स्पीड 3 m/s है, 3.5 m/s है। इसका मीनिंग हमने उसको एक्सेलरेट किया हुआ है, और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, मोशन की डायरेक्शन में ही होगी, और टाइम गिवन है 25 का। तो फोर्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6 है, इसमें हमें फोर्स निकालना है। फोर्स होता है m into a, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, मास गिवन है 3, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 3.5, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2.0, और टाइम गिवन है 25 सेकेंड का। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.18 न्यूटन। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हम देखते हैं 7 देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन 2 perpendicular forces 8 N and 6 N गिव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो मास गिवन है 5.67 नंबर न्यूमेरिकल में मास गिवन है 5 kg, और दो फोर्स लगे हुए हैं। F1 फोर्स जो है 8 N है, F2 जो फोर्स है वो 6 N है, और साथ में एंगल दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर फोर्स है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी बॉडी गिवन है, ये बॉडी गिवन है, इसके ऊपर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक फोर्स इधर लगा हुआ है और दूसरा फोर्स हमारा ऊपर की तरफ ऐसे लगा हुआ है। एक को F1 सपोज कर लेते हैं, दूसरे को F2 सपोज कर लेते हैं। तो नेट फोर्स हमारा जो लगेगा वो हम निकाल लेंगे यहाँ से, और नेट फोर्स जो एंगल बनाएगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थीटा, ये हम अल्फ़ा लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये नेट फोर्स की डायरेक्शन देगा हमें। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स जो आएगा, दिस इज F1² + F2², और इसका स्केयर रूट, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है F1 और F2 में, तो इसलिए जो है cos 90 वाला फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली 8² + 6² और स्केयर रूट 64 + 36 100 आएगा। 100 का स्केयर रूट करेंगे तो नेट जो फोर्स लगा वो कितना लगा हुआ है, 10 N का लगा हुआ है। अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। तो टेंजेंट अल्फ़ा जो आएगा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस होता है तो F2, ये देखो ये यहाँ पर ये जो है हमारा F2 होगा, तो F2 डिवाइड बाई F1, तो ये आ जाएगा हमारा 6/8, तो ये बचेगा 3/4, और इसकी वैल्यू टेबल में देखनी पड़ेगी हमें। तो टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये बचा है हमारे पास 0.75, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा की वैल्यू टेंजेंट इन्वर्स 0.75। तो ये टेबल में वैल्यू हम चेक करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास नियर अबाउट आती है 36 degrees and 52 minutes। अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स हमारे पास आया था 10, और मास जो है इसका 5 kg है, तो डिवाइड कर देंगे तो 2 m/s² जो है क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वह बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, द ड्राइवर ऑफ ए 3-wheeler मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 m/s सी ए चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द मिडल ऑफ रोड ब्रिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 seconds। यानी कि सबसे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, 5.8 नंबर न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी जो है व्हीकल की वो गिवन है 36 km/h, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, और ये आ जाएगी 10 m/s। अब जो है टाइम गिवन है, जितने टाइम में वो उसको स्टॉप करना चाह रहा है वो है 4 सेकेंड,
तो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि स्टॉप कर रहा है तो जीरो। अब टोटल मास जो है एवरेज, व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ व्हीकल, द मास ऑफ थ्री व्हीलर इज 400 किलोग्राम एंड द मास ऑफ ड्राइवर इज 65 kg। तो टोटल मास निकाल लेते हैं, टोटल मास हमारा आएगा 400 प्लस 65, ये हो जाएगा 465 kg। अब हमें रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जाएगा v माइनस u डिवाइड बाई t। तो v जीरो है, मास गिवन है 465 इंटू जीरो माइनस u की वैल्यू हमारे पास थी 10, और टाइम गिवन है 4 सेकेंड का। तो इसको ये नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आती है 1162.5 न्यूटन। तो ये हमारा क्या जाएगा, इतना रिटार्डिंग, नेगेटिव साइन जो है वो रिटार्डिंग फोर्स के लिए यूज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है 5.9 रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास, मास गिवन है, रॉकेट का मास जो है वो गिवन है 20,000 kg। इज ब्लास्ट अपवर्ड विद इनिशियल एक्सेलरेशन, जो है इनिशियल एक्सेलरेशन गिवन है 5 m/s². कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, यानी कि जब उसको रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो इनिशियल थ्रस्ट कितना देना पड़ेगा। देखो वेट लगता है इसका mg नीचे की तरफ, तो सबसे पहले जब ऊपर लेके जाना है पहले तो वेट को बैलेंस करना पड़ेगा, और दूसरा उसको एक्सेलरेट भी करवाना है e के साथ। तो नेट जो उसके ऊपर थ्रस्ट लगेगा वो कितना आएगा, तो कितना आएगा मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन देखो ए एक्सेलरेशन है और साथ में जी को भी ओवरकम करना है, तो ए प्लस जी के इक्वल हो जाएगा। तो मीनिंग यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, मास जो है 20,000, एक्सेलरेशन 5 प्लस, और जी की वैल्यू जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं 9.8 ले लेते हैं, जी की वैल्यू अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो 20,000 इंटू में ये आ जाएगा 14.8। तो यहाँ से हमारा आंसर जो आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.96 इंटू 10 की पावर में लिख देते हैं हम इसको, 10 की पावर आएगी यहाँ से 5 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आएगा 2.96 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि वेट को भी ओवरकम करना है और साथ में एक्सेलरेशन भी देना है, तो नेट एक्सेलरेशन ए प्लस जी के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.10 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ मास 5.10 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो है मास गिवन है, बॉडी का मास 0.40 kg, मूविंग इनिशियली विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 m/s टू द नॉर्थ। तो इनिशियली जो उसकी स्पीड गिवन है वो गिवन है 10 m/s, किस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये सब्जेक्टेड टू ए कॉन्स्टेंट फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया है 8 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, डायरेक्टेड टुवार्ड साउथ, साउथ की तरफ, टुवार्ड साउथ यानी कि मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को क्या कर रहा है उसके अपोज। और कितने टाइम के लिए लगाया है, t = 30 सेकेंड के लिए लगाया है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड t0, यानी कि जब फोर्स अप्लाई किया तो t को क्या लेना है, 0 लेना है, इनिशियल टाइम 0 लेना है, और उसकी पोजीशन जो है x एक्सिस के लॉन्ग वो भी कितनी लेनी है, 0 लेनी है, यानी कि ओरिजिन से हमने फोर्स लगाना शुरू किया है। और प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन आफ्टर t = -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड, तीन पार्ट हमें गिवन है, अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, यानी कि रिटार्डेशन जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, a = f/m। तो 8 न्यूटन का फोर्स लगा है और मास गिवन है 0.4, तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये हमारा आ जाएगा माइनस का, माइनस में आएगा क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये फोर्स जो माइनस में लेना पड़ेगा हमें। तो ये 20 m/s² का एक्सेलरेशन जो है वो जीरो से लेके किस टाइम के बीच में है, जीरो से लेके 30 सेकेंड के बीच में लगा हुआ है, तो जीरो से 30 सेकेंड के बीच में वो एक्सेलरेटेड है, और माइनस का 20 m/s² का उसके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर
फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, टी इज इक्वल टू माइनस फाइव सेकेंड पर उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो टी इज इक्वल टू माइनस फाइव सेकेंड पर एक्सेलरेशन तो उसका जीरो है, तो पोजीशन अगर हमें बतानी है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, तो ये वन आ जाएगा, एस वन लिख देते हैं, मैं इसको टी वन सपोज कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा टी वन, इसको भी टी वन सपोज कर लेते हैं, तो यू, यू की वैल्यू गिवन थी ऑलरेडी, तो उसके जो यू की वैल्यू थी टेन गिवन थी और टी गिवन है यहाँ पे हमारे पास माइनस फाइव, तो माइनस फाइव, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फिफ्टी मीटर, यानी कि वो ओरिजिन से पहले ही खड़ा हुआ था, कितना ओरिजिन से पहले कितने डिस्टेंस पे होगा, माइनस का जो हमारा ये आया यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, माइनस फिफ्टी मीटर के डिस्टेंस पे था, यानी कि ओरिजिन से वो नेगेटिव साइड में खड़ा हुआ है। सेकंड पार्ट करते हैं, अब टी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है, तो इसको टी टू मान लेते हैं, सेकंड केस हमारा जो है ये गिवन है हमारे पास, ट्वेंटी फाइव सेकेंड के बाद हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो 25 सेकंड देखो जीरो से लेकर 30 सेकंड तक वो एक्सेलरेटेड है, यानी कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन था वो रिटार्डेशन था, वो कितना आया था हमारे पास नेगेटिव माइनस में 20 मीटर पर सेकंड स्केयर का उसके अंदर रिटार्डेशन था, तो अब जो डिस्टेंस आएगा एस टू दिस इज इक्वल टू यू टी टू प्लस में ए इंटू वन बाई टू ए टी टू स्केयर, तो ये आएगा यू की वैल्यू हमारे पास है, यू की वैल्यू 10 है और टी टू की वैल्यू माइनस 20 है, और सॉरी टी टू की वैल्यू हमारे पास 25 है, यहाँ पर टी टू की वैल्यू कितनी है 25, और ए की वैल्यू थी ये हमारे पास माइनस 20, तो ये माइनस हो जाएगा इंटू 20 और टी का स्केयर कर देंगे तो 25 का क्या हो जाएगा स्केयर, तो ये हो जाएगा 250 माइनस में, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर आ जाएगा, माइनस में आएगा ये भी, ठीक है, माइनस का 6 किलोमीटर यानी कि ओरिजिन से पहले ही था वो। अब नेक्स्ट जो हम निकालते हैं T3 हमें गिवन है 100, इस 100 में से एक टाइम तो हमारा 0 से लेके 30 तक का, 0 से 30 तक एक्सेलरेटेड है और वो एक्सेलरेशन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जबकि इसके बाद यानी कि 31st सेकेंड से लेके 100 सेकेंड तक, यानी कि ये टोटल टाइम जो हमारा बन गया T4, ये बन गया हमारा 100 सेकेंड, यानी कि 70 सेकेंड, लास्ट की 70 सेकेंड में उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, क्योंकि फोर्स सिर्फ कितने सेकेंड के लिए लगा हुआ, 30 सेकेंड के लिए लगा हुआ है, तो हमें इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो वो जब वो एक्सेलरेटेड है और दूसरा पार्ट वो जब वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। अब वो कॉन्स्टेंट स्पीड भी हमें निकालनी पड़ेगी इस केस में, तो पहले इसका फर्स्ट केस हम कंसीडर कर लेते हैं 0 to 30 सेकेंड, तो x1 निकाल लेते हैं डिस्टेंस, हम x1 सपोज कर लेते हैं इसको यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर, यू की वैल्यू जो है 10, टी की वैल्यू यहाँ पर हम लेते हैं 30 और एक्सेलरेटेड है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो माइनस आ जाएगा, 20 का एक्सेलरेशन है तो 30 का क्या कर दो स्क्वेयर कर दो, तो ये आ जाएगा 300, यहाँ से आएगा ये 10 बचेगा, यहाँ से 900, तो माइनस में 9000, तो ये बचेगा हमारे पास 80 माइनस में 8700 मीटर, यानी कि पहली 30 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया x1, वो हमारा कितना कवर हुआ x1 की वैल्यू माइनस का 8700 मीटर आ गया। अब x2 निकालना हमें, x2 के लिए हमारे पास फिर यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्केयर, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, अब u जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये वेलोसिटी हम, मैं इसको u की जगह u डैश लिख देता हूँ, u डैश हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो u डैश इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हो जाएगा, और ये टाइम जो है ये टाइम T1 है हमारा जो हमने 30 सेकेंड लिया हुआ है, यानी कि 30 सेकेंड तक वो एक्सेलरेटेड था, 30 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, तो 10 यहाँ पे माइनस में a की वैल्यू 20 और t हमारे पास है 30 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 600, ये 10 प्लस का है तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 590 बन जाएगा, 590 माइनस में इतने मीटर जो है नई वेलोसिटी आ गया, ये नई वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x2 की वैल्यू आएगी माइनस का 590 इंटू
टी की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 70 सेकंड के लिए हमें निकालना है, तो 70 सेकंड क्योंकि 30 से लेके 100 तक की सेकंड जो है हमारी 70 सेकंड है, तो ये सीधा आ जाएगा क्योंकि अब एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं है, तो ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी आगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डिस्टेंस हमारे पास आता है ये आएगा हमारे पास माइनस का 41300 मीटर। तो मीनिंग अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये हमारी x2 की वैल्यू से टोटल डिस्टेंस जो आएगा 0 to 100 सेकंड के बीच में वो x1 प्लस x2 आएगा। तो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास x1 की वैल्यू थी माइनस 8700 मीटर और ये भी माइनस में आया तो माइनस का 41300 मीटर, तो इसको माइनस में है दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना बन जाएगा ये 50,000 बन जाएगा पूरा 50,000 मीटर यानी कि 50 किलोमीटर और माइनस में आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 था।